नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। खबर मौसम से जुड़ी है जो हम आपको मौसम का ताजा हाल बतलाने वाले हैं। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव होने जा रहा है, जहां एक तरफ बिहार के कई जिलों में मॉनसून को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चले कि बिहार में इन दिनों लोग गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जहां एक तरफ बारिश इन दिनों लोगों पर मेहरबान नहीं है, तो वहीं अब यानी कि कल से एक बार फिर से बिहार में मॉनसून एक्टिव हो जाएगा और लोगों को उमस भरी गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। क्या कुछ मौसम को लेकर ताज़ा अपडेट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, चलिए हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। पटना समेत प्रदेश में दो दिनों के बाद एक बार फिर से मॉनसून अपने रंग में होगा। प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा के आसार बन रहे हैं। प्रदेश में 22 से 26 अगस्त तक मॉनसून की सक्रियता में वृद्धि के आसार दिख रहे हैं। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण और जिले में भारी वर्षा और अधिकांश जिलों में वज्रपात की चेतावनी है। मंगलवार को पटना समेत 22 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। वहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। रविवार को कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हुई है। अररिया के फारविसगंज में 24.4 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। रविवार को पटना और उसके आसपास के इलाकों में दोपहर के बाद आंशिक बादल छाए रहे हैं। आगामी 23 अगस्त और 24 अगस्त को लगातार अधिकतम स्थानों पर भारी से भारी वर्षा के आसार बताए गए हैं। 21 अगस्त को कुछ स्थानों पर वर्षा तो 22 अगस्त को कई स्थानों पर भी वर्षा के आसार बताए गए हैं। इसके बाद 23 और 24 अगस्त को काफी ज्यादा वर्षा का पूर्वानुमान बताया गया है। आगामी 25 अगस्त और 26 अगस्त को भी वर्षा होगी। वहीं आपको बताते चले कि तीन दिनों से रूठे मॉनसून के कारण धान के किसानों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान में एक बार फिर से उनकी आशा बंधी है। इधर रविवार को पूर्णिया का तापमान सुबह से काफ़ी ज़्यादा हो गया था। वहीं आपको बता दें फारविसगंज में 24.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। कटिहार में 9.2 मिलीमीटर, सबौर में 8 मिलीमीटर, किशनगंज में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जहां एक तरफ मॉनसून बिहार में एक बार फिर से एक्टिव होने जा रहा है, आज बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन कल से यानी कि 22 अगस्त से 24 अगस्त तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में भारी से भारी वर्षा को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।